चलो महाकालेश्वर का भी दर्शन हो गया, आप एक बार लास्ट बार देख लो। Hey guys, welcome back to channel. अभी बजे सुबह के 10 और हम लोग है देवों के देव महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो मेरे साथ है आज ये सब टीम, तो बापा का हाथ और इन सब का साथ और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से एक और ब्लॉग का स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं। तो आज हम लोग को जाने का है पूरा उज्जैन घूमने का है, तो फिर पहले लेते महाकाल का नाम। तो जय श्री महाकाल। हम लोग सब रेडी हो गए। मेरे साथ है तृप्ति, अभिषेक, हेलो, दिव्या, श्रुति, मानसी और सैलू भी है जो आ रही है। निकलते हैं मंदिर का दर्शन लेने, मतलब महाकाल के दर्शन लेने। इधर तक आने का व्लॉग जिसने नहीं देखा जाओ, पहले व्लॉग, इससे पहला वाला व्लॉग जो पोस्ट किया वो जाके देख लो, जाओ फटाफट वो व्लॉग भी देख लो और ये व्लॉग भी देख लो। तो आज हम लोग रुके सगुन यात्रा गुह में, जो ये हम लोग का होटल है, आपको होटल दिखा देता हूँ। सब ऑलमोस्ट आ ही गए, रेडी, सब लोग रेडी। होटल का कार्ड और मतलब जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी निकल रहे हैं हम लोग उज्जैन के रस्तों पे। सो अभिषेक, अपने को सबसे पहले कौन सा मंदिर करना है? गणेश जी का, यहाँ पे बड़े गणेश जी का मंदिर है वो सबसे पहले हम लोग को कवर करने का है। उसके बाद मेन मंदिर, फिर डायरेक्ट काल भैरव, उसके बाद डायरेक्ट काल भैरव जाएंगे। देखना आप लाइन टू लाइन हम लोग जहाँ भी घूमेंगे वहाँ पर आपको भी घुमाएंगे और अच्छे से ब्लॉग कम्प्लीट करेंगे। फिलहाल तो इधर उज्जैन सिटी एकदम बेस्ट है। सो उज्जैन की गलियां मुझे बहुत पसंद है, छोटी छोटी गलियां। मैं सुबह मॉर्निंग में भी इधर आया था और हम लोग गुम हो गए थे गलियां, थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्या अभी तक मजा आ रहा है, हर एक दीवार पे छोटी छोटी गलियां, बहुत छोटी छोटी गलियां। सबसे पहले हम लोग गणेश मंदिर में जा रहे हैं, उसके बाद में बोलते हैं सबसे पहले गणेश जी को पूजा, इसलिए हम लोग सबसे पहले गणेश मंदिर ही जा रहे हैं। तो बापा का दर्शन लेके अपन महाकाल का दर्शन लेंगे। सबसे पहले जाते हैं बापा का दर्शन लेते, उसके बाद महाकाल का दर्शन लेंगे। तो चलो अभी बड़े गणेश का दर्शन कर लेते हैं। तो यही है मंदिर। गणेश जी का दर्शन हो गया, सबसे पहले गणेश जी से हम लोग शुरुआत किए। अब जाते हैं मेन मंदिर में, पहले कुछ पान वान ले लेते और उसके बाद मेन मंदिर, जो मेन मंदिर जो पीछे आपको दिखाता हूँ। ये है मेन मंदिर जो कि अपन जाते हैं अभी दर्शन लेते, पहले पान फूल जो है सब ले लेते हैं। तो अभी पान वान सब ले लिए, अभी चलते हैं मेन मंदिर में। तो अभी हम लोगों को कैसा है कि आरती भी मिलने वाली है, तो आरती के बाद महाप्रसाद भी होने वाला है। तो अभी जैसे अभिषेक बोल रहा है कि आरती करके निकलेंगे, पर आरती करके निकले तो हम लोग को बहुत टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 12 बजे तक महाप्रसाद एक ही मंदिर में, मेन मंदिर है तो लगने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बाकी सब मंदिर भी करेंगे। तो जय श्री महाकाल। तो अभी फटाफट हम लोगों ने सबने लगा दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर के लोकल लोग से सुनने में आ रहा है कि आप एकदम परफेक्ट टाइम पे फ्राइडे को आयो तो आपको इधर क्राउड बहुत कम मिलेगा, और सच में क्राउड बहुत कम ही इधर देखा जाए तो बहुत ही कम, अच्छे से दर्शन हो जाएगा। क्या अभिषेक, बहुत क्राउड ज्यादा होता तो हम लोग 250 का एक पास निकालना पड़ता है। अगर क्राउड ज्यादा होता तो हम लोग को एक VIP पास आता है 250 रुपये का, 250 का वो निकालना पड़ता है, पर अभी आज की डेट में जरूरत नहीं हो सकता। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो तो अभी हम लोग मंदिर में घुसने वाले, आज एक तो फ्राइडे इसलिए बहुत मस्त टाइम पे हम लोग, क्राउड भी ज्यादा नहीं और एकदम अच्छे से दर्शन होंगे। हम लोग पहुँच गए हम लोग मेन दरवाजे पे, ये है मेन दरवाजा, उधर भोलेनाथ का दिख रहा है। तो फिर चलते भी अंदर और देखते हैं माइक और कैमरा अलाउड है क्या नहीं।
सो हम लोग से माइक और ट्राइपॉड ले लिया, इसलिए अभी थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम होगा, तो एडजस्ट करो। खाली अभी सिनेमेटिक शॉट डालूंगा कम से कम, और क्राउड थोड़ा भी नहीं है सब अब देखते हैं, आप दर्शन करते हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोग। बहुत मस्त टाइम पे हम लोग आए, नीचे भी लोग भी बोल रहे थे, इधर के लोग परफेक्ट टाइम पे आओ, अच्छे से दर्शन हो जाएगा। तो दर्शन हो गए महाकालेश्वर के, ये है मंदिर। तो अपने सबका दर्शन हो गया इधर, अपने पूरी टीम का भी हो गया, मेरा भी हो गया, थोड़ा फोटोशूट चलता, बहुत बेस्ट बेस्ट फोटो खिंचाए, वीडियोस खिंचाए, देख लो मौका नहीं मिलता इधर, माइक वाइक तो नहीं है, पर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, देख लो अच्छा अच्छा वीडियो आया है, और बाकी और बहुत 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 टाइम स्पेंड करेंगे। चलो तो महाकाल का दर्शन हो गया है, अभी निकलते हैं बाहर, सब चले ही गए, मोस्ट ऑफली खाली मैं ही बाकी हूँ, चलो अभी टीम के साथ जाते हैं बाहर, फिर से होटल जाएंगे, और होटल के बाद उसके बाद ऑटो पकड़ के सिटी के बाहर जो 6 मंदिर है उधर जाने का। भाई इतने अच्छे से दर्शन हो रहे हैं हमारे, इतने जल्दी जल्दी दर्शन हो रहे हैं, थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि भाई निकलेंगे 6 मंदिर के लिए जो सिटी से बाहर है, और ये मंदिर सब सिटी के अंदर है, तो इन सब का दर्शन हो गया, तो अभी 2 मंदिर बाकी है वो जो हम लोग शाम को कवर करेंगे, तो अब फटाफट जाते होटल पे और रुकते थोड़ा, और फिर उधर से जो सामान लेने का है या फिर वैन वाले को कॉल करेंगे, वो आएगा उधर, वो हम लोग उधर से पिकअप करके घुमाएगा। चलो 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 जल्दी इधर से निकलते, थोड़ा सामान रखते और निकलते फटाफट। ओए तू ये गाड़ी का अरेंजमेंट कर दे, तो निकले अपन फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि दर्शन नहीं हो, जाने का टाइम हो गया, अपनी गाड़ी नीचे वेट करी अपना, तो जाते और बैठते और निकलते। ये आज की अपनी गाड़ी है, तो इसी में अपने को जाने का है 6 जगह पे, 6 मंदिरों। जय श्री महाकाल। सारे गाड़ी लेके वो हम लोग को लेके जाएंगे 6 प्लेस है, वो 6 प्लेस का नाम सुन, प्लेस के नाम है, पहले हम जाएंगे मंगलनाथ, फिर सिद्धगढ़, फिर काल भैरव, फिर गढ़ कालिका, और इन लास्ट हम जाएंगे भरतरी गुफा। तो इतनी जगह पे हम लोग जाने वाले, अभी फुल पूरी गाड़ी अपन ने बुक कर ली है इधर पे उज्जैन में, हम लोग 7 जन, 8 ड्राइवर को लेकर 8 जन है। ये है भैया राजा भर्तरी की गुफा, जहाँ पे राजा भर्तरी ने मतलब 12 साल तक तपस्या करी थी, राजा भर्तरी मतलब विक्रमजीत के बड़े भाई थे। तो ये राजा भर्तरी की गुफा है, तो अभी यही अपना पहला डेस्टिनेशन, तो अपने को पहले इसमें जाने का है, तो चलते सबसे पहले ऊपर। ये अंकल से थोड़ा सा मैं पूछ रहा था जो आपको बता सकते हैं, तो मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, तो अभी आगे सब लोग चले गए, तो अभी चलो मैं भी चलता हूँ आगे। देखो ये कुछ इस टाइप, तो ये गुफा का एंट्रेंस है, सब लोग जा रहे इधर से, अभी अपने को भी इधर से जाने का है, तो चलो चलते हैं अंदर। सब ऑलमोस्ट पूरी टीम तो पहुंच ही गई अंदर, खाली मैं बाकी हूँ। हो चलो देखते मोबाइल अलाउड है क्या इधर, मतलब वीडियो शूट अलाउड है क्या, कुछ इस टाइप का है। एक नहीं 2 गुफा है, दोनों अलग अलग है, एक ये है और एक उधर, एक आगे 2 गुफा है। तो चलो अगर अंदर तो फोटो अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर नहीं खींचेंगे, पर तो भी हम आपको बाहर से दिखा देता हूँ। देखो ये अंदर, अभी हम लोग 2 मिनट के लिए, तो इतना गर्मी लग गया अंदर, यहाँ पे तो घुटन जैसी हो रही है, लाइक कैसे रहते होंगे पहले के जमाने में ये लोग। अंदर एक और छोटी सी गुफा है जहाँ पे नहीं जाना अलाउड नहीं है, चलो बस अभी इधर से अपन निकलते हैं। तो चलो अभी ये सेकंड वाली वो फर्स्ट थी, अभी ये सेकंड वाली गुफा में जाके आते, देखते हैं इसमें क्या है, उसमें तो बहुत गर्मी लग रही थी, अभी चलो ट्राई करते इसमें जाने। कुछ ऐसा है इंटरफेस, ओहो चलो जल्दी जल्दी चलो, यही है इसमें, और कुछ एक छोटी सी गुफा है, वो थोड़ी बड़ी थी, ये थोड़ी छोटी है। अरे बाप रे, इधर अंदर है, ओहो हो, इधर ही शिवलिंग है,
चलो अभी चलते डायरेक्ट बाहर। तो अभी इधर से भी बाहर आ गए, अब चलते हैं बड़े वाले मंदिर में क्योंकि ये है अभी काम चालू है इसका। तो ये मंदिर पे आने के बाद बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि इसकी टाइल्स इतनी ठंडी है और ऊपर भी इतना ठंडा लग रहा है कि पूछो मत। अंदर गुफा में इतना बहुत गर्मी था इसलिए इधर आने के बाद थोड़ा सुकून मिल रहा है। अब कहाँ जाना है अपने को? अब अपन चलेंगे मतलब शांति बनी आश्रम जहाँ पे कृष्ण भगवान बलराम सुदामा ने शिक्षा प्राप्त करी थी। अब हम इधर पहुँच गए जहाँ पे सुदामा और कृष्ण भगवान ने शिक्षा मतलब पढ़ाई की थी। तो ज़्यादा बड़ा प्लेस नहीं है, छोटा सा ही प्लेस है पर बहुत सुंदर है। और यही मंदिर है, इसके पीछे जो मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा वो सब तीनों जन शिक्षा प्राप्त किए। तो चलो अपना दूसरा प्लेस भी कंप्लीट हो गया है, अभी जाते हैं अपनी गाड़ी के पास। जिस स्थान पर आप सभी लोग आए हो यह है ब्रह्मांड नौ ग्रहों में एक ग्रह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। पूरे भारत पूरे विश्व का एक ही मंदिर है। आप सभी लोगों ने कर्क रेखा का नाम तो सुना ही होगा। कर्क रेखा इसी मंदिर के बीचों बीच से गुजर रही है, यहाँ से गई है महाकाल और महाकाल से गई है सोमनाथ। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये पूरे पृथ्वी के नाभि स्थल सेंटर पॉइंट पर बना है। जैन नगरी में आप लोग दर्शन करने के लिए आए हो तो मेन दो जगह आपका मेन प्रसाद का महत्व है। एक बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव जी के यहाँ पर जिनको शराब का प्रसाद लगता है और मंगल महाराज का यहाँ पर मंगल दान चढ़ाते हैं। इस प्रकार से मंदिर है, तो चलते हैं अंदर। अब वो भाई ने बहुत मस्त स्पीच दिया, चलो तो अभी दूसरे डेस्टिनेशन पे चलते अपने। तो अभी हम लोग पहुँच गए सिरवट। इसकी स्टोरी बहुत मस्त है। ये सिरवट को माता पार्वती ने उगाया था और अंग्रेजों ने उसको ना उगे इसलिए उसके ऊपर सात तवे मतलब बोलते ना रखा हुआ है कि ना उगे, और वो तवे को फोड़ के निकला। इसीलिए भाई बहुत मस्त स्टोरी है इसकी, और भी बहुत है पर जितना पता है मैंने उतना बताया। अब चलते हैं उसका दर्शन लेते हैं, अभी चाय पीते और फिर निकलते इधर से नेक्स्ट प्लेस पे। ये कितने साल पुराना शिवलिंग है? हजारों साल पुराना। तो वर्ड है वो इधर है, अभी आपको वही दिखाता हूँ मैं अगर अंदर आउट हुआ तो। देखो वो उधर है। चलिए हम लोग काल भैरव मंदिर पे पहुँच गए जहाँ वेट कर रहे थे, जहाँ दारू चढ़ती है। देखो ये दारू का प्रसाद इधर लगता है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। अभी यहाँ से हम लोग दारू लेंगे मतलब प्रसाद लेंगे सॉरी, और निकलेंगे काल भैरव मंदिर के बाद। काल भैरव का भी दर्शन हो गया है, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे, देखते हैं अभी कौन सा प्लेस है। अब लास्ट प्लेस गढ़ कालिका माता, अभी यहाँ पे जाने गए बस फिर खत्म, फिर जाएंगे फिर उज्जैन सिटी के अंदर। तो चलो चलते अभी दर्शन लेते हैं फटाफट और फिर निकलते हैं उज्जैन सिटी। सो पहुँच गए हम लोग राम घाट पे, उधर बोट का भी है फैसिलिटी पर अब उधर हम लोग खाली दर्शन लेके निकलेंगे। देखो कितना सुंदर है, कितना क्लीन है। जय श्री राम, जय श्री राम। सो अभी हम लोग राम मंदिर में आ गए, यहाँ का बहुत बड़ा राम मंदिर है राम घाट का, और देखो कितना अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि उज्जैन सच में बहुत मस्त प्लेस है और यहाँ पे इतने मंदिर मोस्ट ऑफ दी मंदिर तो हम लोग किए भी नहीं, गिन चुन के हम लोग ने 9 से 10 मंदिर किए है। 6 मंदिर जो घूमे वो और सुबह जो किए वो और ये लास्ट। सो उज्जैन का ट्रिप भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको पता है क्या करने का, तो लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं ऐसे ही नए व्लॉग में।